हरियाणा में विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल में जारी घमासान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, जिसके साथ ही दोनों भाइयों अजय चौटाला और अभय चौटाला की राहें भी जुदा हो गईं। पारिवारिक कलह के बीच अजय सिंह चौटाला ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सूबे की राजनीति में इस घटनाक्रम को काफी अहम माना जा रहा है। अजय चौटाला ने जब जिंद में रैली बुलाई थी, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस रैली को लेकर ही पिता ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ऐसे में इस रैली पर सभी की निगाहें टिकी थी और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जिंद की रैली में अजय चौटाला ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद अब दोनों भाइयों अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला की राहें भी हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गयी। रैली में उन्होंने ऐलान किया कि वह इनेलो और चश्मा अपने अजीज बिल्लू यानी अभय चौटाला को गिफ्ट करते हैं। साथ ही ये भी कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे जिसका नया झंडा होगा और नया डंडा होगा। पार्टी का नाम क्या होगा, इसकी घोषणा 9 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय रैली में किया जाएगा। चौटाला ने कहा कि इस पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे दुष्यंत चौटाला पर होगी, वही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों का साथ भी मांगा और पार्टी को संभाल कर रखने की अपील की। वैसे अजय सिंह चौटाला के इस ऐलान ने सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है। अजय चौटाला के इस दांव को एक तरह से ऐलान जंग के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर है नई पार्टी के साथ अब चाचा भतीजे सीधे तौर पर आमने सामने आ जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल हैं। आपको बता दें कि ये विवाद गोहाना की रैली के बाद शुरू हुआ था, जिसमें अनुशासनहीनता के आरोप में दादा ओपी चौटाला ने पहले अपने दोनों पोतों को पार्टी से बाहर किया, फिर बेटे अजय चौटाला को भी निष्कासित कर दिया। इसके बाद अब इस जंग ने नया रूप ले लिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।